लाखों लोगों को एक नया जीवन उससे प्राप्त होता है। मेरे भाइयों, जब हम लोग आज यहां पे अधिवक्ता समुदाय के साथ बैठे हुए हैं, अधिवक्ता समुदाय समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है और देश की ज्वलंत समस्याओं से इस समुदाय ने कभी भी अपने आप को अलग नहीं किया। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन चुनौतियों से जूझने के लिए, उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने के लिए यह समाज समुदाय हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के कार्य करता रहा। याद करिए देश की आजादी की लड़ाई को, आजादी की लड़ाई के अग्रिम पंक्ति के सेनानी कौन थे? हमारा अधिवक्ता समुदाय था। उन्होंने देश में, दुनिया में अच्छी डिग्री ली, लेकिन जब लगा कि केवल अधिवक्ता का पैसा ही मेरे लिए सब कुछ नहीं हो सकता, अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस एक और रख करके देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। तब देश की आजादी कोसों दूर थी, ऐसा नहीं था कि हमारे हाथ में हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नेशन फर्स्ट, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे। और उनके द्वारा जो उस समय लड़ाई लड़ी गई, उसका परिणाम था कि आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के सरदार पटेल से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के एक पूरी फिरत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर, कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो अधिवक्ता न रहा हो? सबका अपना एक अपनी छाप थी, एक अपनी पहचान थी। मोतीलाल नेहरू से लेकर के मालवीय जी से लेकर के चोरी चोरा की घटना में जब फांसी दी गई थी वहां के क्रांतिकारियों को, गोरखपुर के क्रांतिकारियों को, तो उनकी पैरवी करने के लिए कई घंटों तक उनकी पैरवी करने के लिए स्वयं मालवीय जी खड़े रहे और उनमें से बहुत सारे लोगों को उन्होंने फांसी के फंदे में जाने से बचाया था। बहनों भाइयों, यह आजादी के समय के बाद और आजादी के बाद भी जब भी देश के सामने चुनौती आई अधिवक्ता